वेलकम एवरीवन इन ब्रांड न्यू वीडियो। और ये फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर व्लॉग आने वाला है और आप सभी का स्वागत है इस शुभ अवसर दीपावली और काली पूजा के व्लॉग पे। और आज हमारे यहाँ पे पूजा में थीम हो रहा है जो कि हमारे फ़िश हॉबीज़ का लवली है, जो कि है एक्वेरियम और बहुत सारे ढेर सारे फ़िश का। और ये हमारा क्लब का लोकेशन है, बंगाली किसी को आती है तो पढ़ लीजिए। और जो ओनर अंकल है उनका यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे होने वाला है पूरा एक्वेरियम का सेटअप, ब्लू बैकग्राउंड प्लस बेस में थर्माकोल वगैरह आएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ब्लू बैकग्राउंड में बहुत अच्छा कलरेशन फिश का देखने मिलेगा हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जगह है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो बैनर वगैरह आ चुका है जो कि हाँ सॉल्ट वाटर का है, बट हमारे यहाँ पे सेटअप जो हो रहा है ये फ्रेश वाटर के ऊपर होने वाला है। और हमारी मूर्ति आ चुकी है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी और कितनी सुंदर लग रही है ना। तो भाई सुंदर लग रही है तो कमेंट करना जय काली, ठीक है। और यहाँ पे एक्वेरियम आ चुका है और मैंने आपको यहाँ पे साइड लुक भी दिखा दिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने वापस से जगह पे और देखो कितना सारा एक्वेरियम आने वाला, अंदाज़ा लगा सकते हो आप। और हमारे यहाँ पे बॉक्स वगैरह रेडी हो चुका है गाना वाना बजने के लिए। और आप देखो मेरे घर से ऊपर से लुक कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे एक्वेरियम आना चालू हो चुके हैं, काफ़ी सारे एक्वेरियम आ रहे हैं, मुझे भी एक्जैक्टली नहीं पता कितने सारे हैं। चलेंगे हम नीचे, आपको मैं नीचे से लुक दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद धोने वगैरह का काम चल रहा है कि कोई भी डर्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहे और इसे थरेली पानी और साबुन से धोया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे एक्वेरियम है, तो कमेंट करके बताना, काउंट करो और कमेंट करो कि कितने सारे एक्वेरियम यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई सेट करने के बाद लाइन बाय लाइन एक ही एक्वेरियम यहाँ पर बच चुका है, बट हमने मेज़रमेंट लिया है कि ये एक्वेरियम भी आ जाना चाहिए। तो हम इसमें अभी थोड़ा सा साइड वगैरह करेंगे और इसमें सेट करके इस एक्वेरियम को भी अपनी जगह पे लगवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे रात के कितने बज रहे थे मुझे याद नहीं, यहाँ पे पानी भरने का काम चालू हो चुका है। और पानी में हम सिर्फ दो चीज़ें डालने वाले, एक रॉक सॉल्ट और एक जनरल एड, ठीक है, जिससे मछलियाँ जब स्ट्रेस से आएंगी तो उन्हें स्ट्रेस फील ना हो। और ये मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हो पानी भर चुका है और हमने जनरल एड और रॉक सॉल्ट डाल दिया है जिससे पानी वाटर जो रहेगा वो फिश के लिए सूटेबल हो जाए। और रात भर में आप देखो यहाँ लाइट का काम भी हो चुका है, तो पता नहीं मुझे लाइट कैसा लगेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह का इशू हो सकता है क्योंकि बड़ी लाइटें हैं, ठीक है, बट रात को देखेंगे। और यहाँ पर देखो पहली फ़िश आई है ब्लू रैमी, ठीक है। दूसरी फ़िश आई हुई है हमारे यहाँ पर वाइट गोल्ड, देखो कितने भाई डार्क ब्लैक आईज है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे फ़िश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक फ़िल्ट्रेशन, वाटर कंडीशन और यहाँ पे एरेशन, ठीक है। यहाँ पे यहाँ फ़िल्ट्रेशन और एरेशन वगैरह दोनों लग रहा है जो कि स्पॉन्ज फिल्टर के थ्रू होने वाला है। और यहाँ पे अंकल भाई पूरा एकदम रेडी होके भाई सारा इक्विपमेंट वगैरह ले आए हैं। और यहाँ पे जो एरेशन देने वाला है वो एक ही मोटर से आने वाला है ये पूरा सेटअप को एरेशन देने के लिए। और यहाँ पे कंट्रोलर डिवाइडर वगैरह के थ्रू स्पॉन्ज फिल्टर कनेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इस देखो फ़िल्टर हमेशा आपको यूज़ करनी चाहिए एक्वेरियम पे। और हमारा कंट्रीब्यूशन भी भाई कुछ हमने सोचा देने के लिए, बट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था, 15-20 मिनट में हमने कुछ भी जो भी दिमाग में आया, जो भी मटेरियल्स वगैरह हमारे हाथ के पास थे, तो उसी से कोशिश की है कि इसे सजाया जाए और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाया जाए, ठीक है। और देखो कैसा लग रहा है कमेंट करना। और हमारे तरफ से एक और कंट्रीब्यूशन ये था कि हमने अपनी कुछ फ़िशेस ला के दी जो कि हमारी बेल टेल कोई कार्प है जो कि हमारे पास 1.5 से 2 साल से है। और ये देखो लुक कितना सुंदर लग रहा है, सारी फ़िशेस वगैरह आ चुकी है। और यहाँ पे आपको सारा लुक दिखाते हैं, रैमी, फ्लावर हॉर्न और यहाँ पे वाइट गोल्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंजल्स की कुछ वैरायटी, काफ़ी सुंदर लग रही है। और हमारा डेकोरेटिव आइटम जिसमें हमने कलर वीडियोस छोड़ी है। और यहाँ पे ब्लैक रेनबो शार्क देख रहे हैं हम। और यहाँ पे एक फ्लावर हॉर्न है जो कि मैंने खुद पहली बार देखी, बड़े अजीब टाइप की है थोड़ी। और यहाँ पर आर्कस देख रहे हैं हम, और यहाँ पर वेल कोई कार्प, और यहाँ पे अरवाना छोड़ के रखा गया है। और यहाँ पे सबसे प्रीमियम कलेक्शन जाइंट कोरामी एल्बाइनो है, ठीक है। और यहाँ पे टाइगर ऑस्कर नॉर्मल और व्हेल दोनों हैं। और यहाँ पे हमारी कोई कार्प, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी से फ़िश आई है। और यहाँ पे रात को काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बट हम तो काफ़ी रात को आए थे क्योंकि हमारे घर पर पूजा वगैरह थी, तो हम बहुत सारा वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पर देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, और काफ़ी सारा भीड़ आई थी। और रात का समय का व्यूज़ भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। और देखो रात के वो जो लाइटिंग हुई थी ना, वो काफ़ी बड़ी लाइट थी और ब्लू कलर की लाइट थी, तो फिश का कलरेशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमारा जो थोड़ा सा दिक्कत हमें यहाँ पे फेस करना पड़ा, ठीक है। और हमारी एनवाना सिल्वर से ब्लू हो चुकी है, तो इसका प्राइस 1000 से 10000 हो चुका है, ठीक है। और हमारी जाइंट गोरामी, टाइगर ऑस्कर काफ़ी सुंदर लग रही थी। अगर
सो आप लोगों ने जितना भी अभी यहाँ पे सेटअप फिश और जितना भी डेकोरेशन वगैरह देखा वो अंकल द्वारा ही करवाया गया, और बहुत ज़्यादा सेटअप हो सकता था, कुछ टाइम लिमिट की वजह से यहाँ पे उतना क्लियर सेटअप नहीं हो पाया, बट बहुत जल्द हम अंकल के फार्म और अंकल के शॉप पे जाने वाले हैं और वहाँ का डिटेल वीडियो आएगा। अंकल आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी वगैरह भी करते हैं ना? हाँ। सो अंकल अपना नाम बता दीजिएगा। सुदीप पत। और अंकल अपना एक बार शॉप का लोकेशन बताइएगा। शिव मंदिर काशीपुर मठ। अच्छा, और अंकल एक बार अपना नंबर दे दीजिएगा। 8617736720। अच्छा, और अंकल बाद में फ्यूचर में आपका जो शॉप है और फार्म है उसमें भी हमें आने का परमिशन वगैरह मिलेगा? हाँ, बहुत जल्द मिलने वाला है, तो रेडी रहो। वो आशा करता हूँ आप सभी को ये दीपावली काली पूजा वाला ब्लॉग जो कि हमारा एक्वेरियम हॉबी के ऊपर था तो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे फिश हमने रखे यहाँ पे, 12 तरीके के फिश रखी और बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी कम समय होने की वजह से सेटअप के लिए इसलिए हम बहुत सारी और अच्छी अच्छी फिशेस नहीं ला पाए, जिनको ये कोल्ड वेदर का प्रॉब्लम वगैरह हो सकता था, न्यू शिफ्टिंग का प्रॉब्लम वगैरह हो सकता था, जैसे कि आपने एक टाइगर क्रॉसिंग बार में देखा ही प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारी फिशेस है जिसको नॉर्मली आप कहीं से कहीं पे भी शिफ्ट कर नहीं सकते, ठीक है, आपको हीटर देना होगा क्योंकि ये ओपन स्काई के नीचे है तो काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियम ठंडा हो जा रहा है, तो हम गर्म पानी वाली मछलियाँ यहाँ पे नहीं रख सकते। ये सब इशू की वजह से हम बहुत सारी और मछलियाँ नहीं ला पाए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये ब्लॉग बनाते हुए। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा यहाँ का वीडियो, और ऐसे ही आपको कंटेंट देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डू प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट करके बताना आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया। तो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हमारे एक्वेरियम हॉबीज तक ये वीडियो पहुँच सके।